यहाँ पर हमने सिर्फ खाने की शॉपिंग की और कुछ नहीं किया। चेयर्स टू गुड फूड। तो जिम में बाद में करते रहोगे, अभी तो मत खाओ। चेयर्स। द चार्ट टेक्सचर ऑन टॉप, ब्यूटीफुल। मैं ये बर्गर सिर्फ इसलिए खा रही हूँ बिकॉज दिस इज येलो इन कलर। आई लव द कलर येलो। फूड फ्रॉम आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है बिकॉज आज हम जाने वाले हैं लुलू मॉल। बट वहां जाके मुझे मिला एक फूड पैराडाइज विच इज लुलू हाइपर मार्केट, जहाँ हम बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ खाने वाले हैं। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, और अगर बेंगलुरु फूड सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो जाके देखो। जब तक आप प्रीवियस एपिसोड चेक कर रहे हैं तब तक हम जाते हैं फंटुश में। फंटुश इज बेसिकली अ गेम जोन। यहाँ पर आपको तरह तरह की डिफरेंट गेम एक्टिविटीज मिलेगी, तो हमने भी सोचा हमारे ट्रिप का थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ रिलीज कर लेते हैं। काफी गेम्स हमने खेली, बहुत मस्ती की, और गेम्स खेलने के बाद हमें लग गई तेजी से भूख। हेलो फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो है लुलू हाइपर मार्केट। यहाँ तो मैं 24 आवर्स क्या 48 आवर्स क्या 7 डेज भी दूँ तो शायद कभी कम पड़ी। देयर सो मच वैरायटीज ऑफ फूड टू ईट, सो लेट्स गो इन एंड चेक आउट कैसा है। ये चिकन सेक्शन है, सब मैरिनेटेड पीसेस भी है। OMG, दिस इज ब्लैक चिकन, होल ब्लैक चिकन। क्या नहीं है यार, पेस्ट मिलता, फिश फ्राई पेस्ट, चिकन कबाब पेस्ट, मटन पेस्ट, मसाला। वरुण बोल रहा है एक चीज दिखाएगा जो मेरे को खाना पड़ेगा। OMG, yes, I will eat. Thank you. जो हैदराबाद बिरयानी, अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारा फूड आइटम है। पेपर चिकन ड्राई, फ्राइड चिकन इतना ज्यादा, होल रोस्टेड ग्रिल चिकन, स्पाइसी बारबेक्यू, केरला चिकन, ग्रिल मालाबार, लेमन ग्रास चिकन मोमो। ग्रीन वेजिटेरियन लोगों के लिए लुलू फ्रेश ग्रीन बर्गर, और आई विल टेक पुचका। यहाँ पर हमने सिर्फ खाने की शॉपिंग की और कुछ नहीं किया। ओ माय गॉड, इधर ऑरेंज कलर का भी बर्गर है। ओ माय गॉड, सैलेड है सब। ये सैलेड है, सब चिकन टिक्का सैलेड। और कितना सस्ता है, 55.25। ये थाई चिकन सैलेड लेते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे, वैरायटीज ही खत्म नहीं हो रहा है। lot of food shopping, now we will eat all this food up here. और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हमें को कुछ खाने का मिलेगा, तो मैं माइक लाना ही भूल गई, माइक गाड़ी में है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ठीक है इतना आप लोग वॉइस ऑडियो एडजस्ट कर लो, तो मैं एक एक करके निकालती हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे लुलू हाइपर मार्केट है, इट्स इन इटसेल्फ अ फूडीज पैराडाइज, सुपर मार्केट, जहाँ पर आपको क्या नहीं मिलता देख ही सकते हैं। ये भी इसका उसका 1% ही होगा। सो आप खाना ले लो, ऊपर फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में आके खा लो, यहाँ पर किसी भी शॉप से आप ये डिस्पोजेबल कटलरी ले लो एंड बैठ के बस चुपचाप शांति से खाओ। ये हमने एक सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखा है, विच इज लेमन ग्रास चिकन मोमोज, विच इज 80 rupees ऑफ लेमन ग्रास चिकन मोमोज। Then we have got chicken spring roll, 32 rupees per piece. यहाँ पर मैंने chicken drumstick लिया है, which is 100 rupees for two, मतलब 50 rupees per piece. And here we have taken mutton roll, which is 35 rupees per piece. 100 rupees for three crab momos. We have got thai chicken salad for rupees 55.25 rupees only. Whoa, this is nice. Chicken wings. This is for 50 rupees, 25 rupees per pieces. Then we have got grilled chicken, that is 80 rupees per quarter. I have got yellow burger for 70 rupees only. This is a chicken burger, roasted chicken yellow burger. Wow. Idiyappam,
which is like rice noodles, South Indian style rice noodles. Liya Hyderabadi chicken biryani, 575 gram, 163 rupees. Methi chicken curry. This is 600 gram for 180 rupees. Wow, beautiful. Coffee pieces. For dessert, I have got Oreo eclair. We have got chocolate mousse. A few drinks to पीने के लिए. Obviously इतना खाएंगे तो प्यास लगेगा. Cold coffee and all. We should not just start eating because ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छा ही लगेगा. तो we will start. अब हम सब साथ मिलके ही खाएंगे. Because इतना सारा खाना मैं अकेले तो नहीं खाने वाली. तो यहाँ पर हमने पुचका ले लिया. तो सबसे पहले we'll start off with पुचका. ये पुचका सिर्फ 50 रुपीस का है, मतलब पैकेट. हाँ, एंड पुचका के साथ ये है, ठंडा है पूरा, मस्त लग रहा है. आलू, अरे बड़े छोटे छोटे पीसेस ऑफ आलू है. एंड यहाँ पर है बूंदी का पानी. ओह वाओ, अच्छा ये मोट आलू में मोट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है. क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड यार, नॉट बैड. हाँ, गिर गया. लेट्स टेक द वाटर. थोड़ा नमक कम लग रहा है, चटपटाने थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा चटपटा कम है. और ये साबू का पुचका है, लाइक दिस इज साबूदाना पुचका, कुछ कमी है पुचका में. अच्छा एक पंच नहीं आता, एक नमक का खटास का वैसा पुचका वाला का खाते हैं काइंड ऑफ, बट बहुत रिफ्रेशिंग है, ठंडा ठंडा. नाउ आई थिंक आई शुड स्टार्ट ईटिंग दिस, ये मोमोज. सो सबसे पहले मैं खा रही हूँ लेमन ग्रास चिकन मोमोज. आई डोंट नो, इसका फिलिंग इज़ लाइक सुपर गुड, लाइक काफ़ी अच्छा फिलिंग है. एंड दिस इज लेमन ग्रास, आई एम अज्यूमिंग इट टू बी लिटिल टैंगी, लाइक कुछ नया ही दिखा. लेमन ग्रास चिकन मोमो, बिट्टू भैया काटा ईट दिस. और मेरा बिट्टू भैया का नज़र एक ही बार एक ही टाइम पे एक ही आइटम पे पड़ा था. इट्स गुड, इट्स डिफरेंट. ऐसा लेमन ग्रास का मेरे को वैसा उतना ज़्यादा खटास और टेस्ट नहीं आ रहा, बट इसका फीलिंग इज डेफिनेटली डिफरेंट. हल्का सा इट्स टैंगी बट वेरी स्लाइट, उतना पता नहीं चल रहा है. इसका आउटर लेयर इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स लाइक पैटीज, यू नो, मोमो की तरह नहीं लग रहा है. इन्होंने नाम दिया मोमो का, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. इसमें गार्लिक का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, धनिया पत्ता का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, एंड द फिलिंग इज़ टू मच, लाइक वेरी गुड. लेट्स ट्राई द क्रैब मोमो. इसका फिलिंग थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, मेरे को धनिया पत्ता दिख रहा है, खा के पता चलेगा कैसा है. मेरे को ये ना वापस मैं बोल रही हूँ, फ्राइड वॉन्टन की तरह लग रहा है. Ketchup or something to eat with this. It's very fishy in taste. Andar ka filling is very salty and it's different. It's good. Filling is quite good and crab meat is like very salty in taste. Agar aap ketchup wagaira kisi ke saath khaoge na to acha lagega. However, kabhi aao, if you are a non-vegetarian, then definitely gotta try this because something different you gotta try. Now let's eat mutton roll kyunki garam garam hai, flaky nahi, aisa thanda ho jayega to acha nahi lagega. So ye humne bakery wale section se liya. Oh my god, this is so flaky. ओह वेरी फ्लेकी, इसके अंदर फिलिंग भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. मिंस्ड मटन मीट दिया हुआ है, प्याज दिख रहा है. नाउ लेट्स ईट, बिकॉज आप देख सकते हैं पूरा इसका फ्लेक्स निकल गया पूरा. बिकॉज इट्स फ्रेशली बेक्ड, बोल के इतना फ्लेकी है. मिंस्ड मिंस्ड करके मीट को डाला हुआ है, बट फिर भी वो जो मटन का टेस्ट आता है ना वैसा आ रहा है, हल्का, वेरी सटल. हाउएवर द मसाला इज गुड, लाइक इट्स गुड, रियली गोइंग वेरी वेल विद द आउट ऑफ फ्लेकी क्रस्ट. Now let's try the roasted fried chicken. Now ये this is the spicy one. इसके ऊपर you know spicy मसाला स्प्रिंकल किया हुआ है. So cheers. Cheers to good food. देखो मोटापा पतलापा होता रहेगा, अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं मोटी हो जाऊंगी तो फिर खाना enjoy कैसे करूँगी. अभी ये trip खत्म होगा, उसके बाद तो मेरे को वैसे भी खाना नहीं है, खाने को मिलेगा भी नहीं. खाने भी खाऊंगी तो चलेगा, तो जिम में बाद में करती रहूँगी, अभी तो मस्त खाओ. दिस इज स्किन चिकन, टेस्टिंग वेरी गुड. लेट मी ट्राई दिस विद द थाई चिकन सैलेड. ओके, थाई चिकन सैलेड लुक्स वेरी टेम्पटिंग. इसके अंदर कैप्सिकम है, पीसेस ऑफ चिकन चंक्स है. आई कैन सी ये तो वो है चना, प्याज, ग्रीन कैप्सिकम, देर इज कोरिएंडर, अनियन. सो देख के तो काफ़ी कलरफुल, वाइब्रेंट एंड फ्रेश लग रहा है. तो चलिए खा के देखते हैं. और जुकीनी भी है इसमें. चलो
थाई कुजीन का जो फ्लेवर्स होता है नॉर्मली स्वीट टैंगी स्पाइसी फ्रेश, ये एग्जैक्टली वैसा टेस्ट कर रहा है। वाओ दिस इज सुपर डिलीशियस एंड इट्स लाइक कोल्ड सैलेड यू नो, तो कोल्ड सैलेड इज फॉर एवर लव, लाइक हमेशा ही अच्छा लगता है। ओके दैट्स पीनट एज वेल। फ्लेवरफुल एंड जूसी। Now let's eat the yellow burger, जिसको दिखाने वरुण मेरे को उस एरिया में लेके गया और उस एरिया में जाने के बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री, आप देख ही सकते क्या हुआ। यहाँ आधे से ज़्यादा खाने हम लोग खा चुके ऑलरेडी, सल्टा चुके हैं। लेट्स सी द फिलिंग ऑफ बर्गर। ओके सो देर इज वन चिकन पैटी, क्लासिक चिकन पैटी, देर इज वन चीज स्लाइस, येलो कलर बन, ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट सेसमी सीड है, देर इज टोमेटो एंड देर इज क्यूकम्बर एंड नीचे लेटिस भी है, थोड़ा मेयोनीज लगाया हुआ है। मैं ये बर्गर सिर्फ इसलिए खा रही हूँ बिकॉज दिस इज येलो इन कलर, आई लव द कलर येलो। दिस बर्गर बन इज वेरी स्वीट। जो हम लोग मार्केट से लोकल मार्केट से बन खरीद के ले गया था, यहाँ पर पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग मेथी चिकन एंड इडियप्पा बिकॉज वो ठंडा हो जाएगा नहीं तो। एंड कमिंग टू दिस बर्गर, इसका जो ब्रेड है ना वो मार्केट से जो हम लोग लोकल बन लेके आते हैं घर में, मम्मी बर्गर बना के देती है, ये वैसा नहीं वैसा नहीं टेस्ट कर रहा है। पाव भाजी नहीं है, पाव भाजी का जो पाव वैसा इसका टेस्ट है बर्गर का, बन का। अंदर का फीलिंग इज वेरी नॉर्मल, हाउ एवर द कलर इज वेरी एपेटाइजिंग। प्राइस एस्पेक्ट से बोलूँ, दिस चिकन पैटी इज वेरी गुड इन टेस्ट। दिस इज ब्रोस्टर चिकन पैटी इन साइड। प्राइस एस्पेक्ट से बोलूँ तो जो प्राइस है लो चार्ज करो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा डील है, लाइक इट्स अ वेरी गुड डील। द चिकन पैटी इज सो फ्लेवरफुल एंड वेरी जूसी ऑल्सो, एकदम भी ड्राई नहीं है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं, इट्स वेरी जूसी एंड फ्लेवरफुल। अभी चलिए हम लोग खाते हैं ग्रिल स्पाइसी मालाबार चिकन। नाउ बिकॉज इट्स मालाबार फ्लेवर तो ये उन्होंने बोल दिया था इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पाइसी। दूसरा आइटम खाते खाते थोड़ा ठंडा हो गया है। दिस लुक्स वेरी फ्लेवरफुल एंड जूसी, आप देखो बहुत अच्छे से, इट्स वेरी वेल मैरिनेटेड एंड बहुत अच्छे से इसको ग्रिल किया हुआ है। एंड ये देखो स्किन वाला चिकन है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिलीशियस। लुक एट द कट्स, द चार टेक्सचर ऑन टॉप, ब्यूटिफुल। स्पाइसी फ्लेवरफुल, खुशबू ही स्पाइसी आ रही है, दिस इज वेरी गुड। अगर गरम गरम खाते तो और अच्छा लगता, ठंडा में भी फ्लेवर्स अच्छा है। सॉल्टी स्पाइसी, लिटिल स्लाइटली टैंगी जूसी। सो लेट्स ट्राई द इडियप्पम विथ मेथी चिकन। प्राची को तो पसंद नहीं आया बिकॉज इट्स नॉट स्पाइसी। लेट्स सी मेरे को कैसा लगता है। करी तो काफ़ी फ्लेवरफुल लग रहा है मेरे को, इसमें कसूरी मेथी वगैरह बहुत दिख रहा है। लेट्स ट्राई, ग्रेवी बहुत दी है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। सो बेसिकली दिस आर राइस नूडल इडियप्पम, इडली के शेप में राइस नूडल्स को गोल गोल करके बनाया गया हुआ है। लेट्स ट्राई इट विद द, हाँ ऐसे खाना था मेथी करी चावल। द मेथी चिकन इज लिटिल सॉल्टी, लाइक बहुत ज़्यादा नमकीन है, बट फ्लेवर्स आर गुड। धनिया पत्ता कसूरी मेथी डाला हुआ है तो काफ़ी एरोमेटिक और यू नो द ग्रेवी इज लाइक माइल्ड स्पाइसी, नॉट दैट स्पाइसी बट इट्स गुड, इट्स लिटिल डिफरेंट इन टेस्ट। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक इडियप्पम के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। हाउ एवर दैट पर्सन आस्ट्ड अस कि इडियप्पम के साथ आप मटन रोगन जोश लो अच्छा लगेगा, but we did not wanted to eat mutton rogan josh, so that's the reason we took this. I am done eating so many food. Hyderabadi biryani to main nahi kha rahi hu, wo main flight mein mummy ke liye leke jaungi, aur curry bhi reh gaya tha wo bhi main leke jaungi, mummy kha legi, mummy ko bhi taste kara dungi, and I will be eating mousse, which is chocolate mousse. Oh, looks delicious. So soft, so creamy, mind blowing.